नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल अमर किशोर स्टूडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ वो है पाथू के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ सफेद पाथू के बारे में सुना होगा कि सफेद पाथू के लड्डू बनते हैं, लेकिन अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक कलरफुल पाथू और दूसरे एक काले पाथू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो ये कलरफुल पाथू है इसके बनाए जाते हैं लड्डू, साथ ही इसका आटा भी पिसवाया जाता है जिसकी बनती है रोटी। और ये जो ब्लैक पाथू है इसका भी सिर्फ इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये जो पाथू है ये खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आप इसकी रोटी बना के खाए तो बहुत ही हेल्दी होती है, सर्दियों के लिए खासकर। और जिस तरह से आप सफेद पाथू के लड्डू बनाते हैं उसी प्रकार से आप इसके लड्डू बना सकते हैं। इसके लड्डू वाकई में ही बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। दोस्तों, जैसे कि सर्दी आ गई है और ठंड भी बढ़ने लगी है, इसी के साथ ही कोरोना भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो इस बीच में यदि आप इसके लड्डू खाएं और इसकी रोटी खाएं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी और कोरोना वायरस को आपके आसपास भटकने भी नहीं देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो और ये जानकारी? अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।